सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों विंडोज 10 में अगर आपके पास ये एरर आ रहा है, दिस थीम कैन नॉट बी अप्लाइड टू द डेस्कटॉप एरर, तो इस एरर को जो है कैसे रिमूव करना है विंडोज 10 में से, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेस। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है थीम्स। तो जैसे कि यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर थीम्स के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है ऑटोमेटिक रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस रनिंग को जो है स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पर से क्लोज कर लेता हूँ। फिर आपको जो है सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल पैनल के। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। तो इसको जो है आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी। तो इसको जो है आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड इमेज, ये जो ऑप्शन है, अगर आपके पास इस बॉक्स में चेक है तो आप जो है इसको अनचेक कीजिए। यहाँ पर से अनचेक कर यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।